गुरुग्राम में एक के बाद एक हत्या के मामलों ने शहर को दहला कर रख दिया था, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा सवाल उठ रहा था। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने इसी दाग को खत्म करते हुए 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये सभी अपराधी कौशल गैंग से ताल्लुकात रखते हैं। पिछले एक साल में गुरुग्राम में गैंगवार खुलकर सड़क पर नजर आ रही थी। एक के बाद एक हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, धमकी और हत्या का प्रयास जैसी वारदात लगातार बढ़ती ही जा रही थी, जिससे शहर में दहशत का माहौल था। पुलिस आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे और इस तरह की वारदातों से सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ था। पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अकील ने इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन क्लीनअप शुरू किया, जिसमें क्राइम की टीमों को लगाया गया और कौशल गैंग के अलावा दूसरी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी, जिसमें अब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कुख्यात गैंग कौशल के 6 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिससे कौशल के गैंग को बड़ा झटका तो लगा ही है। साथ ही पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस गैंग के सभी सदस्यों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। बड़ा गैंग गुड़गांव में, दिल्ली में, झज्जर में, उत्तर प्रदेश में और भी कुछ एरियाज में काफ़ी दिनों से ऑपरेट कर रहा था, और बहुत सारी वारदातें हैं, मर्डर की, अटेम्प्ट टू मर्डर की, किडनैपिंग फॉर रैंसम की, एक्सटॉर्शन की, मारपीट की, इसके अलावा हर्ट, नकली इलिसिट वेपन की, ये बहुत सारी वारदातों में इन्वॉल्व थे। एक लार्ज ग्रुप था, जिससे जो ख़ास तौर पे जो गुड़गांव के निवासी और जो आसपास के एरिया के जो निवासी, उनमें असुरक्षा की भावना जागृत हुई थी। क्रिएट किया गया आतंक जैसा माहौल लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की। इस ग्रुप के कुछ एक मुलजिम जो क्रिमिनल थे, एकाध गाये बगाहे गिरफ्तार होते रहे, लेकिन एक बड़े स्केल पर इनकी गिरफ्तारी, जिसको कहते हैं कि गिरोह की कमर टूटने की जो बात थी, वो कमर टूटने जैसी बात में पॉसिबल नहीं हो पाया था कुछ समय से। गुड़गांव पुलिस की टीम ने एक, जो क्राइम ब्रांच की हमारी टीम है, इन्होंने एक बड़े टीम वर्क का काम करते हुए इस गिरोह के बहुत बड़े बड़े जो अपराधी हैं, 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी को करने में जो सबसे अहम जो भूमिका रही, वो हमारी पालम विहार की जो क्राइम यूनिट है, क्राइम टीम है, इंस्पेक्टर बिजेंदर उसको हेड कर रहे थे, उनकी अहम भूमिका थी। उनको मदद करने में हमारे और जो क्राइम यूनिट्स हैं, सेक्टर 31 के हैं, सेक्टर 39 के हैं, सेक्टर 17 के हैं, DLF फेज 4 के हैं, उन्होंने भी एक्टिव भूमिका निभाई, और मेरे कोलीग्स मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, DCP क्राइम है राजीव देसवाल, ACP क्राइम है शमशेर सिंह, ये सारी टीम रात दिन लगी थी। और ये एक ऑपरेशन जो क्लीन अप रहा,
वो एक कोई एक दिन की मेहनत नहीं है, ये पिछले 2 महीने से रात दिन काम कर रहे थे और ये भी इंश्योर करके रखा हुआ था कि कोई भी बात लीक ना हो, अपराधियों तक ना पहुंच जाए, इसको सीक्रेसी मेंटेन करते रहे और सीक्रेसी मेंटेन करके लास्ट में आके इन्होंने एक साथ एक बड़ा जो गिरोह का जिसको कहना चाहिए जो मेन जो ऑपरेटर्स थे जो ग्राउंड पे लोगों में दहशत फैलाने का काम करते थे, जो गोलियां चलाते थे, जो किडनैपिंग करते थे, उनको गिरफ्तार किया। मैं डीजीपी साहब के बिहाफ पे, अपने बिहाफ पे इस टीम वर्क को जो हमारी क्राइम ब्रांच ने जो टीम वर्क किया है मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस ऑपरेशन को इसके लॉजिकल कॉन्क्लूजन तक पहुँचाएंगे। अभी ये क्लीनिंग अप ख़त्म नहीं हुई, ये क्लीनिंग अप चल रही है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको इसके और रिज़ल्ट और मिलेंगे। कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक कि ये जो गैंग्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, इन सारे गैंग्स को जो लीगल इनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए, जो कार्रवाई होनी चाहिए, जहां इनका स्थान है ये उस स्थान पर पहुंचे, मेरा मतलब जेल। साथ में मैंने